मोहब्बत गुमशुदा मेरे ड्रामे में साइन की मौत और जूबी की घर वापसी कैसे होगी, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अब साइन और जूबी ने मुश्किल से निकाह तो कर लिया, मगर दानियाल साइन के पीछे उस घर तक पहुंच गया है जहां जूबी और साइन रह रहे हैं। दानियाल को देखकर साइन जूबी को लेकर भागेगा। इस जल्दी में साइन की टक्कर एक कार से हो जाएगी, जिसके बाद वहां पर दानियाल आ जाएगा और वो साइम को मार मार कर बेहोश कर देगा। साइम को इतना मारने के बाद वो जूबी को साथ लेकर चला जाएगा, जबकि साइम पीछे से हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। अब बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से साइम की हो सकता है कि मौत हो जाए। अब जूबी तो घर से जाते हुए बहुत से ख्वाब देख कर गयी थी, उससे सब कुछ बहुत आसान लग रहा था, मगर हालात सारे उसके खिलाफ चले गए। मगर जूबी की घर वापसी साइम की लाश के साथ होगी। साइम के घर वाले सबका जिम्मेदार जूबी को ही ठहराएंगे कि इसी लड़की की वजह से हमारा बेटा मर गया, जबकि दूसरी तरफ जूबी का बाप भी मर जाएगा। इसका सारा ब्लेम भी जूबी पर ही आएगा कि जूबी की वजह से हार्ट अटैक होकर ये सब कुछ हुआ, जबकि जूबी अपने फैसले पर पछताती ही रह जाएगी कि काश उस वक्त हाँ कर दी होती तो फैमिली की रजामंदी से शादी हो जाती और साइम भी जिंदा बच जाता और उसका बाप भी। अब दानियाल, जिसे अपने अलावा सब भी गलत लगते थे, साइम के कत्ल के केस में जेल चला जाएगा। अगर दानियाल ने थोड़े सब्र से सोचा होता तो जूबी की शादी साइम से कर देते तो कितनी जिंदगियां बच जाती। घर वालों के गलत फैसले की वजह से दोनों खानदान कितनी बड़ी मुश्किल में आ गए, सबसे बढ़कर जूबी, जिसने अपने बाप के साथ साथ अपना शोहर भी गंवा दिया। इस सब में सबसे ज्यादा कसूर किस फैमिली का है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए और मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहब्बत गुमशुदा मेरे ड्रामे में साइन की मौत और जूबी की घर वापसी कैसे होगी, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अब साइन और जूबी ने मुश्किल से निकाह तो कर लिया, मगर दानियाल साइन के पीछे उस घर तक पहुंच गया है जहां जूबी और साइन रह रहे हैं। दानियाल को देखकर साइन जूबी को लेकर भागेगा। इस जल्दी में साइन की टक्कर एक कार से हो जाएगी, जिसके बाद वहां पर दानियाल आ जाएगा और वो साइम को मार मार कर बेहोश कर देगा। साइम को इतना मारने के बाद वो जूबी को साथ लेकर चला जाएगा, जबकि साइम पीछे से हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। अब बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से साइम की हो सकता है कि मौत हो जाए। अब जूबी तो घर से जाते हुए बहुत से ख्वाब देख कर गयी थी, उससे सब कुछ बहुत आसान लग रहा था, मगर हालात सारे उसके खिलाफ चले गए। मगर जूबी की घर वापसी साइम की लाश के साथ होगी। साइम के घर वाले सबका जिम्मेदार जूबी को ही ठहराएंगे कि इसी लड़की की वजह से हमारा बेटा मर गया, जबकि दूसरी तरफ जूबी का बाप भी मर जाएगा। इसका सारा ब्लेम भी जूबी पर ही आएगा कि जूबी की वजह से हार्ट अटैक होकर ये सब कुछ हुआ, जबकि जूबी अपने फैसले पर पछताती ही रह जाएगी कि काश उस वक्त हाँ कर दी होती तो फैमिली की रजामंदी से शादी हो जाती और साइम भी जिंदा बच जाता और उसका बाप भी। अब दानियाल, जिसे अपने अलावा सब भी गलत लगते थे, साइम के कत्ल के केस में जेल चला जाएगा। अगर दानियाल ने थोड़े सब्र से सोचा होता तो जूबी की शादी साइम से कर देते तो कितनी जिंदगियां बच जाती। घर वालों के गलत फैसले की वजह से दोनों खानदान कितनी बड़ी मुश्किल में आ गए, सबसे बढ़कर जूबी, जिसने अपने बाप के साथ साथ अपना शोहर भी गंवा दिया। इस सब में सबसे ज्यादा कसूर किस फैमिली का है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए और मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।